तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। तो टेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आज का टॉपिक है। लास्ट क्लासेस में हमने इफ कंडीशन के फॉर्मूले को कवर किया था, आज हम आपके साथ टेक्स्ट फॉर्मूले की वीडियो कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला आता है बेटेक्स का। अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहला फॉर्मूला दिखेगा बेटेक्स का। तो बेटेक्स का फॉर्मूला हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है। तो बेटेक्स का फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लिखा लगाते हैं इसमें बेटेक्स और इसमें मान लीजिए नंबर दे दिया हमने 153, तो ये आपको जो नंबर आपको जो दे रहा है, ये नंबर आपका ये जो लिखा हुआ है बाथ लैंग्वेज में, ये आपको दे रहा है 152। अगर इसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर पे ले जाएंगे तो वहां आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो बेटेक्स फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आपको इसी फीचर्स का इंडिया में चाहिए कि आप अमाउंट लिख कोई भी नंबर्स लिखे उसको नंबर्स को ये लैंग्वेज में कर दें, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं VBA का, जो कि हम आगे क्लास में आपको बताएंगे। उसके बाद दो फॉर्मूले होते हैं कैर एंड कोड। अब जैसे जैसे कोई भी करेक्टर हम लिखते हैं तो अगर हम इसमें कोड का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसकी एक कोड पता चल जाती है कि 65 इसका कोड है, और कैर का फॉर्मूला है तो वापस एक करेक्टर बताते हैं कि हाँ इसका करेक्टर क्या है। अब इसका यूज क्या है ये हम आपको आगे की क्लासेस में समझाएंगे। अब मैं आगे अपनी क्लास में आगे समझाएंगे, आगे क्लास नहीं। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं क्लीन एंड ट्रिम का। जैसे कि मैंने कुछ नाम लिखा, सुजीत कुमार लिखा, सुजीत कुमार में हमने स्पेस काफी ज्यादा दे दिया हुआ है, और फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे सुजीत स्पेस काफी स्पेस देके सुजीत भी लिख दिया, या कुमार लिखा उसके बाद काफी स्पेस कर, मतलब कि अनवांटेड स्पेसेस इसमें लगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो अनवांटेड स्पेसेस लगे हैं वो अनवांटेड स्पेसेस जो है वो इसमें ना रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिम का। ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देता है। ठीक है सर, ओके। सो ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है, आपका ट्रिम करता है, ट्रिम फॉर्मूला का काम है अनवांटेड स्पेस को रिमूव करना, राइट सर। कोई इसमें डाउट? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रैप में लिखा होता है या कुछ और तरीके से लिखा होता है, जैसे ऑल्ट एंटर प्रेस करके मैंने यहाँ पे कुमार लिख दिया, तो आप देख रहे हैं कि सुजीत कुमार लिख गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर ट्रिम का फॉर्मूला लगाता हूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा तो एक साथ, लेकिन टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर अवेलेबल है। टी और पी के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर अवेलेबल है। अगर इसकी लेंथ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लेन का, LEN लेंथ फॉर्मूला, वो किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ लेटर लिखा हुआ है उसका लेंथ बताता है, तो लेंथ आपका ये 12 बता रहा है। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली काउंट करें तो आपको पता चलेगा
तो इसकी मैनुअली काउंट आपने किया, देखो 5 और 4 9 है, मतलब कि मैनुअली इसमें 9 है। तो एक जो है मैंने नॉन एसिड 11 है सुजीत कुमार, हमने की 5 6 5 6 और 4 5 ने, हाँ ये इसमें 11 है और लिखा दिखा आपको 12 रहा है, 6 5 11 होता है तो यहाँ पे 12 दिखा रहा है, मतलब कि एक करेक्टर ऐसा है जो कि नॉन प्रिंटेबल है। ऐसे करेक्टर जो आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन एक्चुअली में है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लियर का, क्लीन का सॉरी, क्लीन फॉर्मूले को आप सिलेक्ट करें, एंटर मारे तो ये आपका, अब इसमें आप लेन का फॉर्म अप्लाई करें, लेन फॉर्मूला यहां पर आपको दिखा रहा है कि 11। तो क्लीन फॉर्मूला क्या किया इसने, क्लीन कर दिया। जब भी आप ट्रीम लगाएं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रीम क्लीन फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल करें, तो क्लीन फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्लियर हो, डेटा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां तो सेपरेटर हट गया, मैं चाहता हूं कि भाई स्पेस आ जाए ताकि सुजीत और कुमार के बीच में सेपरेशन हो जाए, मतलब कि मैं चाहता हूं अपना जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है उसको रिप्लेस करना स्पेस से। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से कैसे रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 लिखा डॉट, अब मुझे इसके सारे डॉट को डैश में कन्वर्ट कर देना है, जितने भी डॉट है उसको डैश में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में हमने इसको सेलेक्ट किया डॉट कॉमा डैश, एंटर मारिए, जितने भी डॉट है डैश पे चलन हो गया। दोबारा से फॉर्मूला देखिए क्या है, सब्स्टिट्यूट कौन सा करेक्टर, कौन से सेल में, उसमें से कौन से करेक्टर को किस करेक्टर से रिप्लेस करना है। क्लियर सर? हेलो हेलो बोलिए। जी जी सर। ओके अब इसमें ये आता है कि इसमें एक कुछ और चीजें हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। इसमें लास्ट में देखिए यहाँ एक इंस्टेंस नंबर आपको दिख रहा है ना, ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट और लास्ट में इंस्टेंस नंबर है, मतलब कि मुझे इसमें से पूरा नहीं रिप्लेस करना है, मैं चाहता हूँ पहला डॉट डैश बन जाए, तो कॉमा आप यहाँ 1 दे दीजिए तो पहला डॉट जो है डैश बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं कॉमा यहाँ पे दिया कि नहीं पहला नहीं दूसरा हो तो मैं 2 दूंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे तीसरा करना है तो तीसरा कर देगा, अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो जितने भी उतने कर देंगे। ये हमारा सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला हुआ। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में क्या है कि आपको करेक्टर पता है कि हाँ इस करेक्टर को करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे चीज भी होते हैं पोजिशन के हिसाब से हमें करने होते हैं। तो चलिए हम उसको करते हैं। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है रिप्लेस का। रिप्लेस फॉर्मूला में आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, इसमें लिस्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, इसमें स्टार्ट नंबर, तो इसमें इससे मतलब नहीं कि आप जो रिप्लेस कोई पर्टिकुलर करेक्टर करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो यहां पे हमने स्टार्ट नंबर में मैंने बोल दिया कि चौथे नंबर को रिप्लेस करना है, चौथे नंबर से कितना करेक्टर करना है, तो हमने बोला एक ही करेक्टर करना है, और क्या करना है तो हमने बोला स्लैश करना है, रिप्लेस कर। अब इसे मैं अगर जो हमने यहाँ पे एक दिया है अगर इसको हम 2 कर देता हूं, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूं,
तो देखिए वो डैश और नाइन उसको भी रिप्लेस कर दिया। क्लियर है जी? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए तो अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि मुझे इसमें से रैप टेक्स्ट जो है ऑल्ट इंटरप्रेस किया उसको हमने करना है हमें। तो अगर मैं यहां पे इक्वल सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाता हूं तो दिक्कत इसमें आएगा कि फिर मैं यहाँ पे लेटर के ऑल्ट एंटर से टाइप करूं तो गलत हो जाएगा ना सर। तो जो ऑल्ट एंटर क्योंकि सुजीत और कुमार के बीच में जो नीचे आया हुआ है वो रैप टेक्स्ट है जिसको हमने ऑल्ट एंटर प्रेस करके लाया था। अब फॉर्मूले में सॉफ्टवेयर कैसे प्रेस करें? तो उसका सोल्यूशन हमारा ऊपर जो दिख रहा है ना ये फॉर्मूला देगा। मतलब कि मैं किसी भी सेल पे जाऊंगा डबल क्लिक करके ऑल्ट एंटर प्रेस कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे कैर का फॉर्मूला अप्लाई किया और कैर का कोड का माफ कीजिएगा कोड का फॉर्मूला अप्लाई किया तो मुझे दे दिया 10। मतलब कि अगर मैं कैर फॉर्मूले में 10 डालूं तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला दिया अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और यहां पे मैं कैर यहां पे 10 को सिलेक्ट किया और हमने बोला स्पेस आ गया सर। अब इस मेथड का यूज करने का दो तीन बताने का दो तीन पर्पस है। पहला पर्पस है कि आपको पता हो गया कि हाँ कोई भी फॉर्मूला अननेसेसरी नहीं है। दूसरा कि कल के डेट में आपको बहुत सारे ऐसे लेटर्स आएंगे जिसका कीबोर्ड में नहीं होगा, आप उसको टाइप नहीं कर पाएंगे। अगर उसके साथ कुछ करना है तो कैर का फॉर्मूला कोड का फॉर्मूला कोड के फॉर्मूला से उसका कोड जान लीजिए और कैर का फॉर्मूला उसका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दो चीज। और आगे चल के हम इस पे और भी दो तीन डैशबोर्ड वगैरह में दो तीन एग्जांपल उसको आप देंगे जिसमें हम कैर फॉर्मूले में 10 का यूज जो है करके दिखाएंगे। ठीक है जी, ले रहा है? जी चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें आगे जो हमारा ऑप्शन है जैसे कि अब बात करते हैं हम छोटे मोटे फॉर्मूले में, जैसे कि सुजीत लिख दिया मुझे इसको अपर लेटर में चाहिए तो अपर केस अपर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर में करना है तो लोअर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए लोअर हो जाएगा। प्रॉपर करना है तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा प्रॉपर में। तो केस चेंजिंग के लिए फॉर्मूला अप्लाई की जाती है। उसी तरह से इसमें सेपरेशन के फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने सुजीत लिखा और यहाँ पे कुमार लिखा, मुझे आपस में ज्वाइन करना है तो कई सारे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है आपका कि कॉनकेटानेट का फॉर्मूला है, कॉनकेटानेट फर्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, सेपरेशन देना है जो भी सेपरेशन देना है सेपरेशन दीजिए इन्वर्टर को वहां में, फिर कॉमा आप नेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कुमार हमने कुमार को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम होगी जैसे मुझे दो डेट को जोड़ना है, मान लीजिए कि मुझे 1 अगस्त और यहाँ पे 31 अगस्त को जोड़ना है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्केट फॉर्मूला लगाया था, इसके एक और तरीका है हम एन परसेंट भी कर सकते हैं, एन परसेंट और स्पेस दिया और एन परसेंट तो ये आपस में ज्वाइन हो जाए। तो अगर मैं किसी डेट को ज्वाइन करता हूँ मुझे 2 लगाना है, मान लीजिए इसमें मैंने इसमें लिया और बोला कि 2 और फिर हमने अपना डेट को सिलेक्ट कर लिया
तो ये देखिए क्या आ गया, संवर्ष आ गया। तो ये फॉर्मूला हमेशा फॉर्मूला जो है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, ठीक है जी। तो फॉर्मूला, अब इससे दिक्कत क्या होगी, अब इसे दिक्कत ही हो गया आपको, कि इस तरह का नंबर रीड तो नहीं होगा। तो कोई भी ओरिजिनल जो टेप होता है इसका, ओरिजिनल यही होता है ना सर जी? सर नंबर का ओरिजिनल, इसका डेट का ओरिजिनल नंबर ही होता है ना, आपका फॉर्मूला नंबर पे ही चलता है। तो उस केस में मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, टेक्स्ट फॉर्मूला, और ऊपर सिलेक्ट करूंगा कॉमा डी डी डी, तीन बार डी डी सिलेक्ट किया, एंटर मार, आ गया जी। अब इसको कॉन्फ्रेट कीजिए, डी डी नहीं माफ कीजिएगा, कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको सिखाया था ना DD/MM/YYY, ठीक है जी। आप कॉन्फ्रेंट फॉर्मूला में इसको अप्लाई कीजिए, हो जाएगा, राइट सर? राइट सर। तो अभी हमने आपके साथ डिस्कस की टेक्स्ट फॉर्मूला का पहला पार्ट, अब इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इसके कम से कम 5 से 10 एग्जांपल दीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला का दूसरा पार्ट, जिसमें हम कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो फॉर्मूला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते पढ़िए, जल्दीबाजी में पढ़ने से क्या होगा कि बहुत सारी चीज आपको आउट प्रैक्टिस रहेगी, और वो फाइल में आपको चेक करके उसको रिवॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है? ओके बाय।